गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर इंग्लिश रीडर बुक लेसन 10, लूसी अ प्रीटी गर्ल। लूसी वॉज अ प्रीटी गर्ल। जो लूसी थी वो एक छोटी प्यारी लड़की थी। शी लिव्ड इन नेचुरल सराउंडिंग इन अ फॉरेस्ट विद हर पेरेंट्स। तो वो कहाँ रहती थी? फॉरेस्ट में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ पर चारों तरफ क्या था, उसके नेचर था। हर पेरेंट्स वर वेरी पुअर, सो दे लिव्ड इन अ स्मॉल हट। जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत गरीब थे, इसलिए वो एक छोटे सी हट में रहते थे, छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। दे लव देयर डॉटर वेरी मच। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। देयर वॉज नो स्कूल फॉर लूसी टू टेक एडमिशन इन। फॉरेस्ट में रहते थे तो वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं था जहाँ पर वो लूसी का एडमिशन करवा सकें। शी लिव्ड इन लोनलीनेस। वो अकेलेपन में रहती थी। कौन? लूसी। सो शी हैड नो फ्रेंड्स येट शी वॉज वेरी हैप्पी। उसके कोई भी फ्रेंड नहीं था, फिर भी वो बहुत खुश थी। नेचर वॉज हर ओनली टीचर। जो नेचर था वो उसका क्या था? टीचर एंड गाइड। द सन, द मून, द क्लाउड, द स्टार्स एंड द फ्लावर्स वर हर फ्रेंड्स। तो उसके फ्रेंड्स कौन कौन थे? सन, मून, क्लाउड, स्टार और फ्लावर्स, ये सब उसके फ्रेंड्स थे। वन मॉर्निंग हर मदर वेंट टू द टाउन बट डिड नॉट रिटर्न टिल लेट इवनिंग। एक सुबह क्या होता है, जो लूसी होती है उसकी मदर कहाँ जाती है? टाउन में जाती है, शहर में जाती है, पर शाम तक वो वापस नहीं आती। इट बिकेम डार्क। अब क्या होना स्टार्ट हो गया था? अंधेरा। सो लूसीज़ फादर वॉज वेरी वरीड। तो उसके जो लूसी के फादर थे वो बहुत वरीड हो गए। ही सेंट लूसी टू द टाउन टू लुक फॉर हर मदर। तो वो क्या करते हैं, लूसी को टाउन में भेजते हैं, टाउन की तरफ भेजते हैं और बोलते हैं कि अपनी मम्मा को देखो। लूसी वेंट विद अ लालटर्न इन हर हैंड टू शो द पाथ टू हर मदर। तो लूसी क्या करती है, अपने हाथ में एक लालटेन ले लेती है ताकि वो आते समय अपनी मदर को पाथ दिखा सके। हर मदर हैड रिटर्न होम। तो उसकी मदर है घर पर पहुँच जाती है। लूसी सर्चिंग हर इन टाउन। जो लूसी है वो अपनी मदर को टाउन में सर्च करती है। ऑल ऑफ अ सडन अ फायरसी स्टॉर्म एरोस। तभी क्या होता है, एक जो तूफान बोल सकते हैं हम, आइसी तूफान, बर्फ वाला तूफान वहाँ पे आ जाता है। ऑल अराउंड इट वॉज टेंस डार्कनेस। चारों तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा। एंड इट बिगेन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो क्या होता है, जो तभी क्या हो जाता है, रेन स्टार्ट हो जाती है। कैट एंड डॉग्स का मतलब बिल्ली और कुत्ते नहीं होता है, इसका कैट एंड डॉग्स का मतलब है यहाँ पर वेरी हैवीली, बहुत ज़्यादा रेन स्टार्ट हो जाती है। लूसीज़ पेरेंट्स वर वेरी वरीड। जो लूसी के पेरेंट्स होते हैं वो लूसी के लिए बहुत वरीड हो जाते हैं। बट शी वॉज कॉट इन द स्टॉर्म। पर जो लूसी थी वो स्टॉर्म में फंस जाती है। शी फेल इन टू अ रिवर एंड डाई। वो क्या होती है, एक नदी में गिर जाती है और मर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, हर पेरेंट्स बिगेन सर्चिंग फॉर लूसी। उसके जो पेरेंट्स होते हैं लूसी के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। दे सर्च्ड ऑल अराउंड। वे सभी जगह पर सर्च करते हैं। दे शाउटेड फॉर लूसी अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वेन। वो क्या करते हैं, लूसी के लिए शाउट करते हैं, बोलते हैं लूसी लूसी, बहुत बार चिल्लाते हैं, पर सब कुछ वेस्ट होता है। When they were standing on a high hill, जब वो एक ऊँची हिल पर स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, and were looking for Lucy, लूसी के लिए देखते हैं। हर मदर saw the footprints of Lucy on the snow। जो उसकी मदर होती है, लूसी की मदर, वो लूसी के footprints देखती है स्नो में, ठीक है। They followed the footprints। वो जो पेरेंट्स होते हैं लूसी के, वो footprint को फॉलो करते हैं विद द होप दैट दे वुड सून फाइंड हर। उनके माइंड में, मन में एक होप आ जाती है कि वो जल्दी ही लूसी को फाइंड कर लेंगे। बट आल्स अरे दे reached अ ब्रिज एंड saw नो footprints further। तो वो एक ब्रिज पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि ब्रिज से आगे कोई भी footprints नहीं है। दे वर श्योर दैट शी हैड ड्रॉन्ड इन टू द रिवर। वो श्योर हो जाते हैं कि जो उनकी बेटी है लूसी है, वो है क्या होता है, रिवर में डूब चुकी है। पीपल स्टिल फील देयर एग्जिस्ट अ गर्ल। जो वहाँ पे पीपल होते हैं, आज भी पीपल वहाँ पे क्या करते हैं,
एक लड़की की एग्जिस्ट मतलब वो फील करते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की है वॉकिंग ओवर हिल्स, जो हिल्स पर चल रही है विद अ लैम्प इन हर हैंड, जिसके हाथ में क्या है, एक लैम्प है। बट दे आर अनएबल टू कैच हर, पर वो उसको फाइंड करने में, उसको देखने में, पकड़ने में एबल नहीं होते, वो उसको पकड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। दे ओनली हियर हर सॉन्ग एंड हॉसिंग इन द एयर, वो क्या करते हैं, सिर्फ जो वो सॉन्ग गाती है लूसी उसकी आवाज़ एयर में सुन सकते हैं। सो दे से, तो वे क्या कहते हैं, शी इज़ अ लाइव चाइल्ड, जो शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, जो लूसी है वो एक जिंदा लड़की है, मीन्स जो लूसी है वो अभी, उसकी लूसी की डेथ नहीं हुई है।